back to my YouTube channel. Today we are going to tell you that how you can do hair spa at home. Like you can buy this L'Oreal Paris कहीं से भी जाके आप इसको ला सकते हैं एंड यू कैन डू इट एट होम. सो आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टेप्स एंड हाउ यू कैन डू इट एट होम. सो शी इज माय सिस्टर. से हाय. हेलो. शी इज माय सिस्टर एंड आई एम गोइंग टू शो इट ऑन हर हेयर. शी ऑलरेडी डन द शैम्पू बिफोर एंड द शैम्पू इज फ्रॉम कैरेटिन प्रोफेशनल रिपेयर शैम्पू बिकॉज शी एंड मी आई जस्ट वी जस्ट हैड अ स्मॉल स्मॉल ट्रीटमेंट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैड अ स्मूथनिंग एंड कैरेटिन ट्रीटमेंट. सो वी आर यूजिंग these two hair mask and the shampoo. She already done the shampoo and having the hair mask in her hair. So I'm going to tell you that how we can do it at home. Okay, so she having the hair mask in her hair, so we're going to wash it first. The hair spa is just very simple, guys. I am doing it twice at my home, so I thought ek video is to be banana chahiye, cause I don't have any such content to make a video for YouTube. So that's why I'm making on this, because I think it's very abhi wedding season bhi hai, so it's really important ki aap hair spa lo ghar pe acche se, because aapke zaruri nahi hai ki jiske acche hair ho wo nahi le sakta, har kisi ko lena chahiye. So firstly I'm removing her hair mask jo ki ye hai. के बाद हम हेयर मास्क हटाने के बाद फिर हम हेयर स्पा शुरू करें. ओके ओके. फर्स्ट यही मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझसे पूछ रहे थे लाइक आफ्टर वॉचिंग हर इंस्टाग्राम ऑन अकाउंट, सो दे वर आस्किंग दैट शी इज माई रियल सिस्टर और नॉट. यस गाइस, शी इज माई रियल सिस्टर. शी इज वन माई कजन सिस्टर. वो मेरी असली बहन है. You can go and follow her on Instagram ID. What is her Instagram account? Simran Singh. Yeah, I will mention the link below. I will mention the account on the screen. पर अभी मैं तो Instagram पे नहीं हूँ guys, so आप इसे follow करो. Guys, अभी मैंने इसका हेयर मास्क वॉश कर दिया है आफ्टर वॉशिंग इट एंड प्रिकॉशन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. दोज़ हू हैविंग कफ एंड कोल्ड अभी इस वेदर चेंजिंग टाइम में, सो दे कैन यूज वार्म वाटर. ज़्यादा हॉट वाटर मत यूज करना. सो आफ्टर दैट हेयर स्पा रिमूव करने के बाद आई एम टेकिंग दिस ऐसी ये बड़ा वाला कमरा जिसकी वजह से आपके जो हेयर्स हैं वो नहीं टूटते हैं. यू कैन कोम विद दिस. अच्छे से कोम करने के बाद नॉर्मली ज़्यादा हार्श नहीं करना है, सिंपली धीरे से कोम करने के बाद जितने भी टैंगल्स होते हैं उनको निकालने के बाद आपको अच्छे से हेयर स्पा छोड़ना है, अप्लाई करना है अपने बालों में. एंड कितनी देर के लिए छोड़ना है वो मैं आपको थोड़ी देर में भी बताती हूँ. जस्ट कीप वॉचिंग एंड वॉच द वीडियो टिल एंड गाइस. अभी मैंने सारे टैंगल्स निकाले हैं इसके हेयर से, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक और द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस. अभी मैं हेयर स्पा यहाँ पे देखो आपके सामने ओपन कर दी. अगर ये कुछ मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे जो बाकी को प्रॉपरली करना है एक एक बाल को. अच्छे से क्रीम को लेना है और एक एक बाल को आप जब पूरा क्रीम अच्छे से अप्लाई हो जाए तो आपको उसको इस तरीके से करना है. इससे क्या होता है आपके प्रॉपरली रूट्स में जाके एंड जस्ट गो इनटू द प्रॉपर वे. क्यों समझे ना बातें मेरी. तो एक्चुअली मैं इसका फर्स्ट टाइम कर रही हूँ. मैंने अपना तो एक बार किया है, तो दिस इज द सेकंड टाइम व्हेन वी आर डूइंग हेयर स्पा एट होम. सो आई होप क्या मतलब ऑब्वियसली अच्छा ही होगा. एंड ऑल्सो गाइज आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू दैट नॉट रिक्वेस्टिंग आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. आई एम गोइंग टू सेइंग इट इन द एंड ऑल्सो. बट अगर आपको कोई क्वेरीज होती है या कुछ आपको पूछना होता है तो यू कैन कॉमेंट बिलो डाउन for any question or for any suggestion for the next video. आपको अच्छे से इसको मसाज करना है. यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर दिस कि कितना टाइम आप कर सकते हो. डायरेक्शन फॉर यूज एंड ऑल और मिक्स विद द हेयर स्पा स्कैल्प
जो कि मैं अभी कर रही हूँ नॉर्मली, एंड स्केल्प फॉर 20 मिनट्स. आपको फिर इसके बालों के अंदर थोड़ी 20 मिनट्स तक अच्छे से मसाज करना है और फिर 20 मिनट के लिए छोड़ना है. और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी. सो कीप वॉचिंग. You can have it like 2 months later. It's necessary अभी के polluted time में. So ये कोई भी ले सकता है. It's not like curly hairs है, rough hairs है, तो ही लो. Anyone can do this. And according to my suggestions, अगर आप मेरी मानो तो I'm using it like 2 or 3 months से. So it's good. Result काफी अच्छा है. Doing this for 20 minutes and after combing and removing the oil tangles, now we're going to take the steam. Achha, agar aapke abhi steam nahi hai, then how you are going to do it? You will going to do it like you can take a container, hot water se zyada hot water. Itna bhi zyada hot hai ki aapko sun chal raha hai. And take a badi si towel, jiska acha karta thin se bhi achhi ho, and usko aap leke cover kar lo. Abhi main aapko karke dikhaunga. ओके अभी ये प्रोसेस पूरा हो गया. आई एम गोइंग टू डू मोर टेंगल्स आउट. जो थोड़े बहुत टेंगल्स हैं उनको भी अच्छे से हटा के आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डू लाइक स्टीम. आई एम गोइंग टू अप्लाई द स्टीम. अगर किसी के पास स्टीमर नहीं है क्योंकि मेरे पास नहीं है घर पे, सो आई एम गोइंग टू डू इट विद टाउल. सो आई एम गोइंग टू डिप इट इन टू हॉट वाटर जो मैंने एक बकेट में किया है, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन हर हेड. बी केयरफुल ना, थोड़ा गर्म हो सकता है. That's after the result of the her hair, I'm going to show it in the end of this video. Hey guys, I am back. So after 20 minutes, इसको आपके लिए के बाद, we need to remove this. And अब इसे normal cold water से, normal cold water से आप wash कर सकते हो. अब ये wash करेंगे. इसमें कोई भी shampoo use नहीं करना है. You do not able to use any shampoo, any conditioner. Just wash it off. The normal water, and after that I'm going to show you that what will be the result of your hair. I'm going to post the pictures for that. Thank you. Okay, now lastly I just want to tell you that don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Also thank you so much for loving me all my back videos. Say bye to everyone. Bye. See you in the next video guys. कानों में एक दिल की बात सुनावानी, तैनू हसदा वेख के जगनू मैं भूल जावानी. My hairs are feeling super soft and glossy. Okay, that's it. Okay guys, so you want to say something for my channel? Share, like and subscribe her channel and show love guys. Okay, bye bye guys. कानों में एक दिल की बात सुनावानी, तैनू हसदा वेख के जगनू मैं भूल.